आपको स्वागत है और आपका आना कहाँ से हुआ और ये जो पन्ना लाल का खेल वगैरह बताते हैं तो आपने भी बहुत साल निकाले हैं इसके अंदर, तो अभी 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 कहाँ पर है आप? अभी फिलहाल तो मैं अभी नासिक में शिफ्ट हो गया हूँ। क्या कारोबार वगैरह क्या कर साल हो गए? मैं नासिक जिला अध्यक्ष छावा संगठन का। अच्छा, तो ये जो पन्ना लाल का जो खेल वगैरह बताते हैं आप, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से शौक पैदा हुआ? ये हमारे भाई को पहले से शौक था, थोड़ा चतरा बेलवे एरिया जानवरों को पालते थे, उनको सिखाते थे, बहुत प्यार था मुझे जानवरों से। ऐसा सोचते थे उन्होंने मेंढे को सिखाए पे, फिर बाद में डॉग शो चालू करे, फिर बाद में डॉग की शो चालू करे, बड़े सबसे हटके जॉग की शो चालू करे। मराठवाड़े में ये बताया सर ने कि औरंगाबाद से है, तो औरंगाबाद में ये पहले शख्स है जो पन्ना लाल का शो करते हैं, क्या कहेंगे इसके? हाँ, तो ये पहले शख्स है ना, ऐसे बहुत है पन्ना लाल, लेकिन ये पन्ना लाल एक सबसे अलग है। बहुत से न्यू स्टार में भी आए उधर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, नहीं तो हवा पे सब तरह फेमस है। पेपरों में प्रमाण पत्र मिले, कमिश्नर कलेक्टर लोगों ने बख्शी दी, जो बागेश्वर की जो है ना, बागेश्वर जो वाली साहब है ना, उन्होंने उनका अभिनंदन करे थे। सांगली साहब के कमिश्नर मेरे खास दोस्त थे और जानवर के बहुत शौकीन थे, सांगली जिले में आए थे, एस पी बन गए उनके घर, वहाँ से कमिश्नर बन के उनका शहीद होगा ना, वो आके सवाल इनसे कर देते। आपका नाम? मेरा नाम खैबर खान जमा खान पड़ा। सर, हमारे चैनल पे आपको स्वागत है और ये जो पन्ना लाल का खेल वगैरह बताते हैं आप, तो लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि एक जानवर है वो भी गधा है, तो वो किस किस्म से, मतलब चोर, आप जो भी सवाल करते हैं तो बराबर एक्यूरेट पहचानते हैं, तो आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, क्या कला क्या है ये? ट्रेनिंग देते हैं उसको, लेकिन अब तक जो पन्ना लाल लगे है 20-22 साल में, ये पन्ना लाल ओरिजिनल है। मैं 20 साल के बाद औरंगाबाद का 20 साल के बाद अपने वतन में लगा रहा हूँ। अभी आम घास में लगाया था, सेकंड यहाँ लगाया, लेकिन हमारे शो में छिछोरा पना नहीं है। जैसे और पन्ना लाल छिछोरा पना करते हैं, माँ बहने की इज्जत उछालते हैं, हमारे शो में वैसा नहीं है। हमारे शो में इबादत कौन करते हैं, शोर की खिदमत कौन ज़्यादा करते हैं, हम ये सवाल लेते हैं। और हमारा शो ओरिजिनल है, ये अभी के बताने वाला पन्ना लाल कोई नहीं है, एक ही है, बच्चे का बाप बताने वाला कोई पन्ना लाल है, और आँखें बंद करने वाला तो कोई पन्ना लाल है ही नहीं अभी तक। सर, ट्रेनिंग वगैरह कैसे देते हैं आप? ट्रेनिंग स्पेल में होती है, बास पर, बास के ऊपर। अच्छा, तो कितने दिन लगते हैं ट्रेनिंग? ट्रेनिंग हो जाती है इसको 18-19 महीने लगते हैं। कितने सालों से इस लाइन में हैं आप? मेरे को लाइन में हो गए 35-36 साल। तो आप रहने वाले कहाँ के? औरंगाबाद का हूँ, लेकिन मैं बैंगलोर, मैसूर, गोवा उधर था 20 साल से। कौन कौन से मेले में लगा? सागर, सिंसी, मापसा, भादरपा, बीजापुर, मैसूर। ये पन्ना लाल के अलावा और कोई जंगल को आप ट्रेनिंग? हाँ, मैंने ट्रेनिंग दिया, पहले मेंढे को सिखाया, मेंढा भी चलाया हीरा लाल, कुत्ते को सिखाया, कुत्ता भी चलाया, अब कुत्ते की ट्रेनिंग चालू हो रही है। आपके पास में कुत्ता है, अभी हमने देखा वो, ये उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं। कितना टाइम लगेंगे ट्रेनिंग को? उसको 6-7 महीने लगे। इसके बाद में कहाँ रहेंगे आपका, कौन से मेले में? कोशिश कर रहे हैं 10,000 करणपुरे का जाने के लिए। अच्छा, अभी जगह के ऊपर है। तो आपके साथ में कौन कौन है आपके फैमिली में यहाँ पर आए? पहले बेटा है, भाई है, दो बेटे। आपका नाम? आपको स्वागत है, आप भी एक युवा है और युवा के नाते आप आपके पिताजी का हाथ बटा रहे हैं, तो कब से जुड़े हैं पिताजी का? ये दो तीन साल से। क्या सीखने को मिला आपके वाली सब से? बस सीखने को ये मिला कि जानवर को सिखाते करते है, वो देखने को मिला। जैसे आपके वाली साहब ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बताते हैं पन्ना लाल को, उस तरीके से आप आपके पिताजी के नक्शे कदम पे चलेंगे? चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। पढ़ाई वगैरह कहाँ तक हुई आपकी? 12th हुई। क्या नाम है आपका? अशरफ खान। काफी खड़े हो जाओ, ऊपर ऐसा। चलेंगे दिखने वाले, आज रात का आखिरी खेल होगा, वही आखिरी प्रोग्राम होगा, वहां भैया सबसे दिखने वाले जा रहा है, बारी बारी से नंबर नंबर से बाटो में रिटिंग मास्टर, आखिरी खेल का दिखने वाले, कैसे जानता है, कैसे पहचानता है बता पन्ना वाला, ये सुपर स्टार बताएगा उम्र में छोटे कौन, बड़े कौन, दिलवाले कौन, दिलदार कौन, गरीब के शेर कौन, मोबाइल के मालिक कौन, ऐसे खेल, ऐसे कार्यक्रम
वहां से मिल रहा है टिकट और छोटे छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगेगा। आज रात का आखिरी खेल होगा भाई, 30 रुपए का टिकट बांटे जा रहा है, सबको टिकट बांटे जा रहा है। शर्मा का चिंता का पर आता है, रुपये आता है, हाथ का इशारा करके टिकट बांटो। चालू रहा है आखिरी शो, आज रात का आखिरी शो होगा भाई, आखिरी प्रोग्राम होगा। पन्ना लाल एक मिनट रुक जाओ, टिकट वाले आ रहे हैं। हाँ रोक के पन्ना लाल, आजकल के जमाने में इंसान इंसान को नहीं पहचान रहा, लोग बता सबको पहचानेगा। जल्दी चलो भाई, टिकट वाले चालू कर दो मास्टर। चलो बेटा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, नहीं तो आ जाओ, इधर आ जाओ, फिर चढ़ा जाओ खाली जगह। चलो जल्दी लास्ट शो, 20 रुपए का टिकट। इस जानवर को दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं, अरे पन्ना लाल तुम्हारा फोटो कौन ले रहे हैं जरा उनके पास खड़े हो जाओ। एक मिनट टिकट वाले को अंदर आने दो, जो फोटो ले रहे हैं उनके पास जाकर खड़े हो जाओ। इधर बैठे इधर आओ, ये साइड आओ। लोगों बताओ सबसे कम उम्र का बच्चा कौन सा है यहाँ पर? बच्चे छोटे बहुत आए हैं, सबसे कम उम्र का बच्चा तलाश करो, बच्चा छोटा होना चाहिए। और नजदीक जाकर बच्चे को खड़े देखकर कान लगाकर बताओ बच्चा छोटा कहाँ पर है तलाश। वो थैली में तेरे लिए खाजा नहीं लाए खाने के लिए, बच्चा छोटा बताओ। खाजा वामी खुद खा के आ गए भैया, तुमने भी खा ली शायद। पन्ना लाल बराबर ठीक करो, बच्चा डबल का और बच्चे को खड़े लेकर कान लगाओ, थोड़े अशरफ होंगे तो। सबसे कम उम्र का बच्चा तलाश करो, नजदीक जाकर बच्चे को खड़े लेकर कान लगा कर बताओ। तो बच्चे के पापा आए, बच्चे के पापा आए, चाचा वगैरह कोई आए बताओ, नहीं ढूंढ लेगा पन्ना इनके चाचा आए बच्चे के, कौन से बच्चे के चाचा आए हैं, इनके चाचा कहाँ पर है, चाचा के पास जाओ, नजदीक जाकर बताओ। बराबर है पन्ना लाल, बच्चों में बताओ पढ़ाई लिखाई में होशियार कौन से बच्चे हैं? सभी होशियार होते हैं लेकिन स्कूल में होशियार बताओ, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने में होशियार है नजदीक जाकर कान लगाओ। छोटे बच्चों में जो पढ़ाई में होशियार है बेटा, स्कूल जाते हो रोज जाते हो नहीं जाते? लेडीज से बताओ छोटी छोटी बात में अपने शोहर के साथ घर में झगड़ा कौन करते हैं? जो बहन कभी कभी झगड़ा करती है ऐसी बहन को तलाश करो। आपके शोहर आए पना, इनके शोहर बताओ इनके हस्बैंड कहाँ है, और गलत नहीं बताना, मियाँ बीवी का मामला है, आराम से चेक करो, उनके शोहर को तलाश करो। पना लेडीज से बताओ शोहर के जेब से कभी कभी घर खर्चे के लिए चिल्लर कौन निकालते हैं? जो बहन कभी कभी घर खर्चे के लिए चिल्लर निकालती है उनके पास जाओ। कभी कभी या रोज निकालने वाले मत बताओ, बस लाडली बहन चालू हो रही है, महंगाई का जमाना है तो आ जाता निकालो। आपके शोहर आए पना, इनके शोहर बताओ कहाँ है इतने लोगों में, और गलत नहीं बताना, मियाँ बीवी का मामला है, आराम से चेक करो उनके शोहर कहाँ पर है। भाभी जी के हस्बैंड को तलाश करो, उनके शोहर कौन से, आराम से जाओ, गड़बड़ नहीं करना पड़ना लाल, मियाँ बीवी का मामला है, खेल छोटा है सवाल बहुत बड़ा है। भाभी जी के शोहर कहाँ है? बराबर है पन्ना, लेडीज में बताओ काम कम और खाना ज्यादा कौन खाते हैं? काम में पीछे, बिरयानी खाने में सबसे आगे। पन्ना जेंट्स में बताओ कंजूसी ज्यादा कौन करते हैं? जो अपना पैसा बचाते हैं, दोस्तों का पैसा खर्चा करते हैं, ज्यादा ज्यादा कंजूसी करने वालों को तलाश करो। जो भाई ज्यादा ज्यादा कंजूसी करते हैं इतने लोगों में, नजदीक जाकर बताओ पन्ना लाल। पन्ना लाल बीबी को मस्का कौन ज्यादा लगाते हैं? जो भाई बीबी को ज्यादा ज्यादा मस्का लगाते हैं ऐसे भाई के पास जाओ। अब तुम्हारा फोटो कौन लेगा? पन्ना लाल लेडीज को बताओ बगावत तो सभी बहनें करती है, इबादत कौन करते हैं ज्यादा? इबादत करने वाले बताओ। पन्ना लाल जेंट्स से बताओ बीबी खूबसूरत किनको मिलेगी? सब दुआ कर रहे अल्लाह मेरे पास आ जा, दिल से दुआ करे अल्लाह मेरे पास आ जा, अब कोई नहीं भागेगा, जिनको बीबी खूबसूरत मिलेगी पन्ना लाल।
पन्ना लाल लव तो सभी करते हैं, लव मैरिज कौन करेंगे वो भी तलाश करो। लव सभी करते हैं, लव मैरिज करने वाले भाई के पास जाओ। लव सभी करते हैं, लव मैरिज कौन करेंगे पन्ना लाल। लव सभी करते हैं, लव मैरिज करने वाले बच्चे को तलाश करो, जो लव मैरिज करेंगे माँ बाप की तकलीफ दूर हो जाएगी। पन्ना लाल जेंट्स में बताओ, शादी में दावत में पार्टी में बुलाया जाए तो सबसे ज्यादा खाना कौन खाएंगे? नान खलिया के शौकीन बताओ पन्ना लाल, नान खलिया कौन शौक से खाते हैं? पन्ना शादी की गड़बड़ किनको ज्यादा है? मेरा शादी कब होगा, जिनको शादी की फिक्र ज्यादा है उनके पास जाओ। इतने लोगों में शादी की फिक्र कौन ज्यादा करते हैं पन्ना लाल? मेरा शादी कब होगा, आराम से ठीक करो, गड़बड़ नहीं करना। इतने लोगों में शादी की फिक्र किनको ज्यादा है? नजदीक जाकर बताओ, इतने दोस्तों में जिनको ज्यादा फिक्र है मेरे लिए लड़की नहीं देख रहे होंगे। पन्ना लाल मेले में घूमने तो सभी आते हैं, लाइन मारने में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? लाइन मास्टर के पास जाओ। बराबर है, मना लेडीज में बताओ, नसीब वाले सभी है, सबसे अच्छे नसीब वाले कौन है? नया साल किनको अच्छा जाएगा? इतनी बहनों में सबसे अच्छी नसीब वाले बताओ, नया साल किनको अच्छा जाएगा? पन्ना लाल आगे जाओ, उसकी आंखें बंद कर दो बेटा, दोनों आंखें बंद करो, एक मोबाइल देना किसी के पास। यहाँ से मोबाइल ले जाओ, मोबाइल ले गए भाई, मोबाइल ले गए, अपने पास रखो, किसी को देना नहीं। पन्ना लाल तुम्हारी भी आग बनती मेरी भी आग बनती, यहाँ से चोरी हुआ, इतने लोगों में चोर बताओ। पन्ना लाल ने चोर को नहीं पहचाना था, सबका पैसा वापस, चुराने वाले को 5,551 रुपए का नगद इनाम। इतने लोगों में मोबाइल की चोरी कौन की है पन्ना लाल? लेडीज में, जेंट्स में, बच्चों में, बड़ों में, आराम से चेक करो। पन्ना लाल ने चोर को नहीं पहचाना तो आप सबका पैसा वापस मिलेगा, चुराने वाले को 5,551 का नगद इनाम। मोबाइल कौन ले गए पन्ना लाल? तुम ले गए बेटा, कब से चालू किए चोरी के धंधे? पन्ना लाल मालिक बताओ, मोबाइल किनको देना है? तुम्हारी आंखें बंद होने की बात लिया है, यही पकड़ना नहीं, छोड़ो तुम। इसी के साथ खेल छूट गया, जाने का रास्ता।